हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। और इस बार आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के बारे में। 1955 से लेके 2021 तक किस एक्ट्रेस ने कितनी बार ये अवार्ड जीते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चले व्यूअर, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो 1955 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड उषा किरण ने फिल्म बादवान के लिए जीता था। 1956 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड निरूपा राय ने फिल्म मुनीम जी के लिए जीता था। 1957 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड वैजयंती माला ने फिल्म देवदास के लिए जीता था। 1958 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड श्यामा ने फिल्म श्रद्धा के लिए जीता था। 1959 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड नालिनी जयवंत ने फिल्म काला पानी के लिए जीता था। 1960 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड ललिता पवार ने फिल्म अनाड़ी के लिए जीता था। 1961 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड नंदा ने फिल्म आंचल के लिए जीता था। 1962 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड निरूपा राय ने छाया फिल्म के लिए जीता था। 1963 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड शशिकला ने फिल्म आरती के लिए जीता था। 1964 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी शशिकला ने फिल्म गुमराह के लिए जीता था। 1965 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड निरूपा रॉय ने फिल्म शहनाई के लिए जीता था। 1966 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड पद्मनी ने फिल्म काजल के लिए जीता था। 1967 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सिमी गरेवाल ने फिल्म दो बदन के लिए जीता था। 1968 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जुमाना ने फिल्म मिलन के लिए जीता था। 1969 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सिमी गरेवाल ने फिल्म साथी के लिए जीता था। 1970 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड तनुजा ने फिल्म पैसा और प्यार के लिए जीता था। 1971 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड चांद उस्मानी ने फिल्म पहचान के लिए जीता था। 1972 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड फरीदा जलाल ने फिल्म पारस के लिए जीता था। और इसी तरह 1973 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीनत अमान ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीता था। 1974 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड राखी गुलजार ने फिल्म दाग के लिए जीता था। 1975 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दुर्गा खोटे ने फिल्म विदाई फिल्म के लिए जीता था। 1976 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड नादिरा ने फिल्म जूली के लिए जीता था। 1977 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड कजरी ने फिल्म बली का बदू के लिए जीता था। 1978 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड आशा सचदेव ने फिल्म प्रियात्मा के लिए जीता था। 1979 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड रीना रॉय ने फिल्म अपनापन के लिए जीता था। 1980 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड हेलन जी ने फिल्म लहू के दो रंग के लिए जीता था। 1981 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड पद्मनी कोल्हापुरी ने फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए जीता था। 1982 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सुपरिया पाठक ने फिल्म कलयुग के लिए जीता था। 1983 में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सुपरिया पाठक ने फिल्म बाजार के लिए जीता था। 1984 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड रोहिणी हितांगदी ने फिल्म अर्थ के लिए जीता था। 1985 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अरुणा ईरानी ने फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए जीता था। 1986 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड नूतन जी ने फिल्म मेरी जंग के लिए जीता था। 1987 और 1988 में फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी नहीं हुई थी। 1989 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सोनवालिया ने फिल्म खून भरी मांग के लिए जीता था। 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड राखी गुलजार ने फिल्म राम लखन के लिए जीता था।
1991 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड रोहिणी हिटांगडे ने फिल्म अग्निपथ के लिए जीता था। 1992 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड फरीदा जलाल ने फिल्म हिना के लिए जीता था। 1993 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अरुणा ईरानी ने फिल्म बेटा के लिए जीता था। 1994 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अमृता सिंह ने फिल्म आईना के लिए जीता था। 1995 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड डिंपल कपाड़िया ने फिल्म क्रांति वीर के लिए जीता था। 1996 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड फरीदा जलाल ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए जीता था। 1997 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड रेखा जी ने फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के लिए जीता था। 1998 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड करिश्मा कपूर ने फिल्म दिल तो पागल है के लिए जीता था। और इसी तरह 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड रानी मुखर्जी ने फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए जीता था। साल 2000 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सुष्मिता सेन ने फिल्म बीवी नंबर 1 के लिए जीता था। 2001 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जया बच्चन ने फिल्म फिजा के लिए जीता था। 2002 में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जया बच्चन जी ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए जीता था। 2003 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड माधुरी दीक्षित ने फिल्म देवदास के लिए जीता था। 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जया बच्चन जी ने फिल्म कल हो न हो के लिए जीता था। 2005 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड रानी मुखर्जी ने फिल्म युवा के लिए जीता था। 2006 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड आयशा कपूर ने फिल्म ब्लैक के लिए जीता था। 2007 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड कौन कन्हैया सेन शर्मा ने फिल्म ओम कारा के लिए जीता था। 2008 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी कौन कन्हैया सेन शर्मा ने फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के लिए जीता था। 2009 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड कंगना रनावत ने फिल्म फैशन के लिए जीता था। 2010 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड कालकी कोचलेन ने फिल्म देव डी के लिए जीता था। 2011 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड करीना कपूर ने फिल्म वी आर फैमिली के लिए जीता था। 2012 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड रानी मुखर्जी ने फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के लिए जीता था। 2013 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का शर्मा ने फिल्म जब तक है जहां के लिए जीता था। 2014 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सुपरिया पाठक ने फिल्म गोलियों की रसलीला रामलीला के लिए जीता था। 2015 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड तबू ने फिल्म हैदर के लिए जीता था। 2016 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए जीता था। 2017 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड शबाना आजमी ने फिल्म नीरजा के लिए जीता था। 2018 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड माहिर विज ने फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के लिए जीता था। 2019 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड सुरेखा सीकरी ने फिल्म बधाई हो के लिए जीता था। 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अमृता सुभाष ने फिल्म गली बॉय के लिए जीता था। और इसी तरह 2021 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड फर्रुख जाफर ने फिल्म गुलाबो शिताबो के लिए जीता है। तो यार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले एक्ट्रेस की अगर लिस्ट निकालें तो नंबर वन पर है सुपरिया पाठक, रानी मुखर्जी, निरूपा रॉय, फरीदा जलाल, जया बच्चन, ये पहले नंबर पर हैं और इन्होंने तीन तीन बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। सेकेंड नंबर पर शशिकला, सिमी गरेवाल, राखी जी, रोहिणी, अरुणा ईरानी और कोंकणा सेन शर्मा है जो दो दो बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर का ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड जिन एक्ट्रेस ने जीता है उसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मौजूद इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट मूवीज़ और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन कौन है कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूँ कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और आपने हमारे इस चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।